गर्विता मैम, अगला सवाल कौन सा? जी मेरा दूसरा सवाल IRDA पे है। मैंने IPO में अप्लाई किया था पर मुझे मिला नहीं, फिर मैंने सोचा जिस दिन लिस्टिंग हुई उस दिन लूं पर ले नहीं पाई, और उसके बाद पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से अपर सर्किट पे है। क्या इस वक्त हमें इसमें ये ग्रैब करना चाहिए या नहीं? अब जब छूट गई बस तो छूट गई है IPO। अच्छा जब लिस्ट हुआ था ना तो भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर ही लिस्ट हुआ था, तो आई डाउट किसी का भी 50 रुपए 55 रुपए में जब लिस्ट हुआ था तब भी मन बन रहा था और ऐड करने का, पर गजब कर दिया स्टॉक ने आज था। अरे किसी भी पैमाने पे एक बहुत बड़ा सरप्राइज जब आया था तो मुझे याद पड़ता है 1x price to book वाला, लिस्टिंग के बाद से सारे समीकरण बिगड़ने शुरू हो गए थे वो वैल्यूएशन कंफर्ट के, लेकिन रुक ही नहीं रहा ये स्टॉक, आज भी सर्किट पे खड़ा हो गया। घुसने की कोशिश करूं या आप मोमेंटम वाले जो है वो एंजॉय करें राइड को, अपन नहीं घुसेंगे। देखिए बहुत बड़ा जंप आ गया, अभी इस लेवल पे एंटर करना बहुत रिस्की हो जाता है और फिर रिजल्ट सीजन भी सामने है, तो मैम अभी आप मत एंटर करिए, रहने दीजिए। और इसकी थोड़ी सी कहानी अलग थी, वैसे तो फाइनेंस कंपनी की सबकी मोर और लेस सेम ही बिजनेस होती है, पर ये क्योंकि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करते थे तो वो क्या होता है कि वो बड़े इन्वेस्टर्स को भी, आशीष आपको पसंद है कि ये काफी पसंद आते हैं जहाँ पे कि क्लाइमेट रिस्क को लेके अगर इश्यूज नहीं हो, तो उस वजह से हमने बहुत बढ़िया तेजी देख ली इस काउंटर में। लेकिन मैम अब आप वेट करिए, रिजल्ट्स देखते हैं, थोड़ा करेक्ट होता है तब सोचेंगे, अभी आप इसमें एंटर मत करिए क्योंकि बहुत तेज हो गया है, रिस्की हो जाएगा, हो सकता है यहाँ से और भी तेज हो लेकिन रिस्क बहुत बड़ी हो जाएगी और मेरे हिसाब से उतनी रिस्क लेनी नहीं चाहिए, तो मैं तो अभी वेट एंड वॉच करने की सलाह दूंगी।